हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग न्यू विद गार्गी में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से कुछ रीजंस के कारण मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, इसलिए उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम मैं अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँ, जिससे आपको आइडियाज़ लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं कुछ लिपन आर्ट और मिरर आर्ट करने वाली हूँ। ये कुछ पेंटिंग्स मैंने ऑनलाइन बहुत पहले मंगाई थी, लेकिन जब मैंने घर शिफ्ट किया था तो ये पेंटिंग उतारते वक्त आपस में स्टिक होने की वजह से ख़राब हो गई थी। तो इन्हीं को यूज़ करके मैं कुछ नया क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपन इसमें एक बेस कलर अप्लाई कर लेंगे, तो आपकी जो भी मर्जी है वो कर लीजिए। मैंने चॉक पेंट का यूज़ किया, येल्लो, टील ब्लू और रेड कलर यूज़ किया। मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वाइब्स देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसमें ये कलर यूज़ किया। हालांकि मैंने दो कलर बाद में चेंज कर लिए थे, क्योंकि जब मैं इसमें आर्ट मिरर वर्क कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको चेंज कर लिया था। मिरर वर्क करते हुए भी जो डिज़ाइन मेरे मन में आ रही थी मैं उसमें बनाती जा रही थी। तो जो जिस टाइप के मिरर मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उन्हीं सबको यूज़ करके इसमें एक डिज़ाइन और एक पैटर्न यूज़ कर बना लिया है। तो आपकी इच्छा के अनुसार आप इसमें कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल रखने की कोशिश की, जो सबसे सिंपल पैटर्न मुझे लगाना मैंने वही बना दिया। उसके बाद जो ये पर्ल ड्रॉप मैंने मंगाए थे उसी से थोड़ा थोड़ा इसमें डिज़ाइन ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें क्ले का यूज़ नहीं किया था, तो मैंने इसमें पर्ल ड्रॉप का यूज़ करके इसमें थोड़ा डिज़ाइन ऐड कर दिया। दूसरी वाली डिज़ाइन के लिए मैंने क्ले का थोड़ा सा यूज़ किया, इसमें रैंडमली कुछ पैटर्न्स बनाकर मैंने उसमें क्ले स्टिक कर दिए। और क्ले को भी मैंने सिंपल स्टिक नहीं किया इसमें, आपके मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड किया। ये मेरे पास स्ट्रॉ थी, अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है इस पैटर्न के लिए तो आप जो पेन की खाली रिफ़िल होती है उससे, उसके पीछे वाले हिस्से से भी ये काम कर सकते हैं। बस स्ट्रॉ या रिफ़िल जो भी आपके पास है उसका जो पीछे वाला पार्ट है उससे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दीजिए और ये डिज़ाइन अपने आप बन जाएगी, बहुत अच्छा पैटर्न लगता है। उसके बाद कुछ सिंपली मैंने नॉर्मली लीफ का पैटर्न इसमें ऐड कर दिया है, जो मुझे समझ में आता जा रहा था ना मैं बस उसमें बनाती जा रही थी। तो आपकी इच्छा है कि आप उस पर कुछ भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि अभी ये टील ब्लू है, पर जब मैं इसको ड्रॉ कर रही थी तो मुझे लगा कि इसमें टील ब्लू की बजाय मुझे शायद इसमें डार्क ब्लू ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो मैंने इसका कलर फिर बाद में चेंज कर दिया था। जब मैंने इसमें ब्लू कलर खरीदा तो मुझे लगा कि ब्लू कलर ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था बजाय टील ब्लू कलर के, तो मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा था तो, और वाइट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये कलर कर दिया। और उसके बाद बस थोड़ा सा छोटा मोटा जो छोटी छोटी डिटेलिंग होती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी, जैसे 3D कोन से और जो पर्ल ड्रॉप था उससे थोड़ा थोड़ा इसमें इफ़ेक्ट ऐड कर दिया। बाकी फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से जो भी आपके पास मिरर अवेलेबल है वो स्टिक कर दीजिए, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है। तो मेरे पास जैसा भी मिरर था मैंने डिज़ाइन के हिसाब से उसको उसमें स्टिक कर दिया, तो ये बनने के बाद सबसे ज़्यादा सुंदर ब्लू वाला ही लग रहा था। तीनों जो बोर्ड मेरे पास थे मैंने तीनों को इसी तरह तैयार कर लिया। इसमें भी येलो कलर वाला जो था उसको मेरे को, जब मैंने उस पर कलर किया तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने येलो की बजाय इसमें जो पैरेट ग्रीन कलर होता ना वो किया है। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा येलोइश ही दिख रहा है। उसके बाद बस नॉर्मल मिरर ऐड किया और पिंक, हॉट पिंक कलर को यूज़ करके जो हमने क्ले वाला वर्क इसमें किया था उसमें हॉट पिंक कलर करके, और बस 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है और ये तैयार हो गया। तो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।